दोस्तों ये M4 Fit Pro वॉच है। चलिए इसे स्मार्टफोन से हम कनेक्ट करके देखते हैं कैसे कनेक्ट होता है। और ये पुश बटन है इसके अंदर, आप देख सकते हैं एक बार आपको पुश करना है और किसी भी मेनू में एंटर होने के लिए आपको लॉन्ग पुश करना होगा। M4 Fit Pro ऐप आप देख सकते हैं, एक पेपर इसके अंदर मिलता है जिस पर लिखा होता है M4 Fit Pro ऐप, तो हम गूगल प्ले स्टोर में उसे सर्च कर लेंगे। मैंने इंस्टॉल कर रखा है, आप इंस्टॉल करके ओपन कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, एक सेट का ऑप्शन मिलेगा उस पर टच करना है और ब्लूटूथ को आपको सर्च करना होगा, कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। तो ये एक एक करके ब्लूटूथ कनेक्शन बेस कंप्लीट हो जाएगा और टाइम सेटिंग भी हो जाएगी स्मार्ट वॉच की, और यूज़र प्रोफाइल सेटिंग भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और टारगेट सेटिंग भी डन हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से देखते हैं कनेक्ट हुआ या नहीं, इसका टाइम हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, टाइम देखते हैं। तो दोस्तों 12:56 स्मार्ट वॉच में हो रहा है और 12:57 यानी 1 सेकंड का अंतर हमें देखने को मिला। अब जिसमें भी 12:57 हो रहा है यानी 1 सेकंड का डिफरेंस हो सकता है या तो नहीं भी हो सकता है, तो हम पुश मैसेज को ऑन कर लेंगे या आपके स्मार्टफोन को नोटिफिकेशन यहां से आपको मिल जाएगा। इसे ऑन करते ही आपको जो भी ऐप की नोटिफिकेशन चाहिए आपके स्मार्ट वॉच पे आपको इस प्रकार से मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें। मिलता हूँ ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।